Dear students, today we will study the crop pattern of the India. There are three types of crops in India: Rabi, Kharif and Jayad. So first of all, we will study the Rabi crops. What are Rabi crops? Rabi crops are sown in the winter from October to December and harvested in the summer from April to June. Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. These crops are grown in the states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh. This is all by for the Rabi crops. Sometime it comes in the one number question, state example of Rabi crops. Sometime it is asked what is the sowing season of the crops in Rabi. Like that you will get in board examination. Then Kharif crop. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of country and these are harvested in the September and October. Means बारिश के समय बोते हैं और ठंडी के चालू होने के पहले काट लेते हैं. Important crops during the season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, cotton, जूट, groundnut and सोयाबीन. Some of the most important rice growing region are Assam, West Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, Uttar Pradesh and Bihar. Kharif crop बारिश के समय बोते हैं और ठंडी चालू होने पहले ही काट लेते हैं. ये हो गया खरीफ क्रॉप. कभी कभी आता है स्टेट एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. एक नए तरह का क्वेश्चन ही बनाया जा सकता है आपको क्रॉप्स का एग्जांपल दे करके ढेर सारे और बोला जाए कि इनको रबी, खरीफ और जायद के टाइटल बना करके उनमें डाल दीजिए. ऐसे भी आ सकता है. Might be possible मैं ही एग्जाम में दे दूँ. नेक्स्ट इज जायद क्रॉप. इन बिटवीन रबी एंड खरीफ देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ. दिस इज नोन एज जायद सीजन. सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल फॉडर क्रॉप्स एंड सुगर केन. तरबूज, खरबूज, गन्ना ये नदी किनारे अधिकतर पाए जाते हैं. आपको मालूम है आपकी इलाहाबाद में भी इसकी खेती होती है जायद क्रॉप की. बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और धान की कटाई हो चुकी रहती है उसके बाद इन सब की खेती होती है. ये हमारे आपके लिए गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्रॉप्स, इसके फसलें, और इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है गर्मी से बचने के लिए. तो ये क्रॉपिंग पैटर्न था इंडिया का जिसमें रबी, खरीफ, जायद तीन तरह की फसलें होती हैं. तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ, जायद तीनों ही होती हैं. तो ये था. ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, चाहे एक नंबर है चाहे तीन नंबर में. एग्रीकल्चर लेसन से ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.